बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। 28 महीने बाद एक मंच पर पीएम मोदी, उद्धव ठाकरे फिर से दिखे रिश्तों में गर्माहट। लातूर, महाराष्ट्र में तमाम गिले शिकवे भुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने वाली बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में पुरानी गर्माहट फिर से देखी जा रही है। 2014 में केंद्र में NDA की सरकार बनाने में कुछ समय बाद ही दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरें आने लगी थी। शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ लगातार हमले कर रही थी। हालांकि बीजेपी चीफ अमित शाह महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से मिल बैठकर आपसी मतभेद दूर कर एक साथ आने की घोषणा की। लातूर में यह रिश्ता आज उस समय और मजबूत होता दिख रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी और शिवसेना चीफ उद्धव हाथ पकड़कर 28 महीने बाद एक मंच पर आए। दरअसल आज की तस्वीरों ने दोनों दलों के बीच करवाहट को भुला रिश्तों में मधुरता को सामने ला दिया है। पीएम मोदी और उद्धव ने केवल मंच पर हाथ पकड़कर साथ आए बल्कि पीएम ने उद्धव के कंधे पर हाथ रखकर बातें की। बता दें कि इससे पहले शिवसेना पीएम मोदी पर भी लगातार हमले करती थी। बीजेपी चीफ अमित शाह ने कहा था कि दोनों दल मतभेद भुलाकर साथ आए हैं और यहां गठबंधन राज्य में 45 सीटें जीतेगा। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।